कौन सी एक्सप्रेस है भाई? ये आ गया है एचओडी के फेमस दाल वाफले। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एमपी, तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आपका इंजीनियर ऑन व्हील के एक और एपिसोड में। हाँ, तो आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर अभी और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए उसके लिए आपको पीछे स्टोरी में जाना पड़ेगा, तो आप पीछे जाके देखिए फिर वापस आइए। तो चलिए अपनी आज की दिवाली की राइड शुरू करते हैं, जो कि अपने घर के लिए देवास फ्रॉम थाने। तो गणपति अप्पा मोरिया, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, रक्षा करना। और टाइम हो रहा है अभी लगभग 5, निकलने का प्लान 4, अगेन 1 घंटा लेट, पर चलता है, घर के कामों में हो ही जाता है थोड़ा बहुत लेट, तो देर सो के। तो चलो चलते हैं, अभी तो सब अंधेरा होगा, तो अभी तो आप कुछ देख नहीं पाओगे ज़्यादा कुछ। तो फाइनली कसारा घाट चालू होने वाला है, और सुबह से नहीं पिए हैं चाय, तो ज़रूरत है एक चाय की, सबसे पहले नींद खोलने के लिए। तो नींद खोलते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं वापस। अब चालू होगा अपना कसारा घाट चढ़ना, और अपनी नींद भी हो गई पूरी, यानी पूरी मतलब खुल गई है चाय पी लिए, तो नहीं तो क्या था, हल्की सी झपकी आती है यार। सुबह की चाय बहुत ज़रूरी है नींद खोलने के लिए। तो अब अपनी नींद खुल गई है, तो अब अपन चलेंगे भड़ियारा, और अब कहाँ रुकेंगे पता नहीं है। और इसी के साथ अपना सनराइज़ भी हो चुका है, और देखो क्या सही लग रहा है सूरज, पता नहीं गोप्रो कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट बहुत ही सुंदर सनराइज़ है एकदम, वो बोलते हैं ना आम, एकदम आम जैसे एकदम ऊपर आए हुए हैं सूरज भाई, सूरज भाई नहीं, सूरज चाचू। एक तो ये मालेगांव से धुले तक का जो पैच है ना, ये सच में इतना ड्राई है, यहाँ पर ढंग के रेस्टोरेंट भी नहीं है, सच में अच्छे रेस्टोरेंट, छोटे मोटे ढाबे हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादा रुकते हैं कंपेरेटिवली पैसेंजर्स के। तो एट द एंड आपको धुले क्रॉस करके ही सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। अगर आप आ रहे हो तो या तो मालेगांव के पहले हैं वहाँ पर रुक जाओ, या फिर अगर लग रहा है तो मालेगांव क्रॉस कर दिया है तो मैं बोलूँगा कि आप सीधे धूले क्रॉस करके फिर रुको, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज इधर कुछ नहीं है, एकदम ड्राई। इट्स टाइम टू फ्यूल अप। अब धूले यहाँ से बचा है मात्र 10-15 किलोमीटर, उससे पहले ही रुक गए, लग रही थी धूप तबीयत, और जब तक एम टू टच नहीं होते तब तक रास्ते में मिलेगा आपको कोई मिसल पाओ, तो फटाफट मिसल पाओ करते हैं और निकलते हैं वापस, फिर घर पहुंचना है फटाफट अपने। चलो पेट्रोल डल गया गाड़ी में, मिलते हैं वापस रोड पर, खा लो आप भी। तो चलो अपना नाश्ता भी हो गया है, मिसल पाओ, और अपन ने गाड़ी को भी करवा दिया उसका फुल टैंक, तो गाड़ी ने भी खा लिया खाना और अपन ने भी खा लिया खाना। तो अब बैक टू पवेलियन, अब सीधे रुकेंगे पता नहीं कहाँ पे, और अभी तक सुबह से अभी तक अपन ने गाड़ी चला चुके हैं 318 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है लगभग 10। इस रोड पे पता नहीं क्या ही है कि ये विंड मिल हमेशा ही दिखती है, यानी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये विंड मिल कभी मुझे दिखी ना हो जाते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए, महाराष्ट्र से एमपी की तरफ हमेशा मूव होते हुए देखी है। आई डोंट नो एमपी से महाराष्ट्र का भी मूव हुई है क्या, ये हो सकता है कि महाराष्ट्र या गुजरात में ये कंस्ट्रक्ट होती होंगी और फिर ये सप्लाई होते होंगे एमपी में, तो इसलिए जब भी मैं एमपी आता हूँ ना तो ये दिखती ही है फिक्स है एकदम। अभी देखो अभी 2-3 दिखी हैं, अब लाइन लग जाएगी आगे चल के ढेर सारी। 2 मिनट के लिए तो मैं डर गया था ये देख के, ये क्या है भाई साहब, टूटा फूटा है, लगता टूटा फूटा ही रहा है, एक्सीडेंटल है कि नया है? नया है यार,
ब्रांड न्यू है, टायर नहीं लगे, वो बात अलग है, बट लग तो ब्रांड न्यू ही रहा है कि पुराना है। कमेंट करके बताओ नया दिख रहा है या पुराना दिख रहा है, कमेंट करो यार वीडियो में, ऐसा क्या कर रहे हो, कमेंट किया करो, इंटरेक्ट किया करो, तो हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आप हमसे इंटरेक्ट करो, कुछ बातें करेंगे। और कोई जरिया तो है नहीं, आप मेरी बात सुन लेते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है ना कि हमने YouTube में एक ऑप्शन दिया है कमेंट का, जहां आप आपके मन की बात लिख सकते हो। जैसे मोदी जी आते हैं मन की बात करने, तो आपको अगर आपकी मन की बात करना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आओ लिखो और इन्जॉय करो। तो ये क्या हो रहा है, रोड पर ट्रेन जा रही है, ट्रेन ही है ना, लग तो ट्रेन का डब्बा रहा है। अब देख लो रोड पे भी ट्रेन चलने लग गई है भाई साहब, ये भी बढ़िया है। कौन सी एक्सप्रेस है सर ये, क्या क्या चीजें हो रही हैं आजकल रोड पर, बाप रे आगे तो तगड़ा जाम दिख रहा है एकदम। हाईवे पे कैसे जाम हो सकता है यार, हाईवे पे जाम मत लगाया करो, शहर में लगाते हो समझ में आता है, हाईवे पे किस बात का जाम होता है यार, हाईवे तो वैसे भी हाईवे है, इसका वे एकदम हाई होना चाहिए, तो स्लो क्यों कर देते हो, अपने को क्या, अपन साइड से निकल जाएंगे धीरे धाने करके, बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, सेडल बैग ना तो टकराएं यहाँ पे, नहीं टकराएंगे, निकल गए बढ़िया। अरे भगवान, लेकिन जाम किस बात का लगा यार यहाँ पे, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। लगता है नहीं 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 नहीं, पुलिस वाले अंकल चेकिंग कर रहे हैं भाई साहब, आप बॉर्डर के नज़दीक हैं तो चेकिंग तो होगी ना रे बाबा। हेलो, अपन देखते ही देखते पहुंच गए एमपी बॉर्डर, और टाइम हो रहा है अभी लगभग 11, ये भी बढ़िया गुरु। हमें कुछ लोगों के अभी सुबह हो रही होगी, और अपन मुंबई से मध्य प्रदेश में इंटर कर चुके हैं। ये रही एमपी की बॉर्डर, यानी उधर से आते हैं फोर व्हीलर वगैरह, टू व्हीलर यहाँ से आ सकते, और ये अपन आ गए एमपी के अंदर। आए हाय, मजे ही मजे। अब अपन थोड़ी देर बाद कहीं रुकेंगे और कुछ अच्छा सा खाएंगे, यानी महाराष्ट्र का खाना भी अच्छा है, बट एमपी का खाना तो एमपी का है ना दादा, एमपी के खाओ जरा तुम पोहे समोसे कचौरी, मजा ना आए तो पैसा वापस। हाँ तो आ गए वापस, अब यहाँ से हम लोग का घर बचा है मात्र 180-190 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे लगभग 2-2.5 घंटे, 3 घंटे लग सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और हम लोग जा रहे हैं दिवाली के लिए अपने घर देवास, जो है इंदौर के पास। अच्छा, हम लोग तो ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं दिवाली के लिए, आप लोग कमेंट करके बताओ आप अपनी दिवाली किसके साथ मनाना प्रीफर करते हो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या ऑफिस के कामों के साथ। और यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, बस तो थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाइए और कुछ नहीं, लेट इट बी। हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ दिवाली मनाना पसंद करते हैं, या फिर इस साल आप दिवाली कहाँ मना रहे हो और किसके साथ मना रहे हो। कल को कितनी सही सही बातें लिखी रहती है, खेल है किसान का नसीब आजमा रहा, नहीं खेल है किस्मत का नसीब आजमा रहा हूँ, एक बेवफा के लिए ट्रक चला रहा हूँ, बड़ा दिल फेक आशिक था। जैसे इस ट्रक के पीछे क्या लिखा है, मैं जाता हूँ अपने काम से, लोग जलते हैं मेरे नाम से, क्या बात है, एक नंबर। तो ऐसा ही है, नर्मदा मैया में फिशिंग चालू है, वो भी मैग्नेट वाली, यहाँ पे मैग्नेट फेंक फेंक करके सिक्के विक्के ये वो जो कुछ भी अटरम सटरम बटरम निकलता है ना, सब कलेक्ट करके फिर बंगाल में भेज देते हैं। वो यहाँ तो कम होता है, आउट ऑफ इंडिया तो बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्स ये वो, यानी वहाँ पे फिशिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती, मोबाइल वोबाइल मिल जाते हैं भैया लोगों के, क्योंकि लोग कायाकिंग करने गए, वह क्या फोन पर्स वगैरह मिल जाते हैं लोगों को भैया। और हम पहुंच चुके हैं खलघाट, घाट घाट खलघाट। और देवी और सज्जनों, हम लोग को लग रही है अब लपक के भूख, पहुंच गए भले इंदौर, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है जनाब,
कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ खाने से अच्छा कुछ अच्छा खा ले, और ऐसा कुछ खा ले जो पुरानी यादों को ताज़ा कर दे। तो सोचे हम कि हम हमारे HOD से मिल लें। HOD बोले तो हरिओम का ढाबा, हमारे सुख दुख का साथी। जब हम कॉलेज टाइम पे थे तब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हरिओम के ढाबे पे खाना खाते थे। तो चलते हैं आज फिर वापस से वहीं। वहाँ के दाल वाफले मतलब वाह है एक नंबर। तो बोलते हैं गाड़ी तो और वाइट कलर में तो क्या धासु लग रही है, एकदम ही गजब, मतलब कहर ढाए देगी। इसको देख के सामने वाला दुश्मन ऐसे अपने हथियार फेंक दे, बोले ना बाबा ना, हम तुमसे ना लड़ पाएंगे। और ये भी शायद टाटा ने बनाई, टाटा या महिंद्रा ने बनाई है ये। और ये रहा हमारा कॉलेज, जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है राइट हैंड साइड पर। रुको अभी दिखाते हैं आपको, अच्छे से दिखाएंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ अच्छा यहाँ पे पटाखों की दुकान लगी है। ओके पटाखे ही पटाखे। तो ये रहा हमारा कॉलेज IPS एकेडमी इंदौर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे रे रे ये तो रिवर्स आ रहे हैं भाई साहब, इधर जाना पड़ेगा। रुको रुको जरा। तो ये है अपना कॉलेज जहाँ से हमने इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट करी है, बट उससे ज़्यादा टाइम हम लोग बैठा रहते थे यहाँ पर। SNS और एक ये जूस की शॉप। ये आ गए हैं HOD के फेमस दाल वाफले। वो का वही टेस्ट आज तक चेंज नहीं हुआ, पता नहीं कितने सालों बाद खाना चाहिए। आप देख के मन भरो, खा के पेट भरता। बाय बाय। चलो तो अपन ने तो दाल वाफले मचका लिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मज़ा आ गया एकदम। और आप बताओ बिल कितना बना होगा, वीडियो का ही पोस्ट करो और आप गेस करो कितना बना होगा। किया अब मैं बताता हूँ, हम दोनों का बिल बना मात्र 190 रुपीज़। ये फाइनली अपन पहुँच गए देवास में। तो ये है देवास नगर, सपनों का शहर ऐसा बोलते हैं, बट सपने कितने हैं वो तो भगवान जाने। बाकी सब बढ़िया है। चलो पहुँचते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधे घर पे अब। और हाँ मैं जा रहा हूँ अभी अब पुराने वाले घर पे, नए वाले घर पे शाम को या कल मिलेंगे, तो वहाँ पे सबसे कल मिलाएंगे आप। फाइनली होम स्वीट होम, घर पहुँच गए अब। हाँ चलो। हाँ तो यहाँ पर होता है, अंधेरा हो जाता थोड़ा जल्दी, तो इसकी वजह से अभी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई। वो GoPro आपको पता ही है कितनी अच्छी लाइट कैच करता है, नाइट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो जैसा प्रॉमिस किया था अपन अभी निकल गए अपने नए वाले घर के लिए वापस। तो यहाँ पे लाइट अच्छी है लेकिन ट्रैफिक इतना है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो GoPro का जो इनबिल्ट केबल है, इनबिल्ट माइक है, वो भी इतना खास अच्छा नहीं है। इतनी एक तो इंजन की आवाज़, सेकेंड बाहर का नॉइस, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज बियर विद मी। लेकिन अच्छा लगता है अपने शहर में एकदम बिना हेलमेट के जब जुल्फ उड़ती हैं, ये भी अच्छा है भाई साहब। पूरा शहर आपको फुर्सत से एक शहर घुमाएंगे, क्या ही तो सजा रखा है पूरा शहर। एक तो मैं भी लास्ट ईयर नहीं आया था, उसके पहले कोविड का इशू चालू था। तो इसकी वजह से सब पंखे थे यहाँ पर। चलता तो इस बार होपफुली सारे दोस्तों से मिल पाए, उम्मीद तो यही है। और हाँ कल के लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है जगह जाने वाला, जल्द पता चलेगा आपको। शायद ये वीडियो आ रहा है तब तक मैं वहीं हूँ। IDB
तो चलिए फाइनली अपन अपने नए घर पहुंच गए हैं और बस अब करते हैं इस वीडियो का यहीं पर अंत। और यहाँ हो रही है हमारी दिवाली की प्रिपरेशन, तो लग रहे हैं दिए। तो दिवाली की सारी डिटेल्स आपको एक दो ब्लॉग के बाद में पता चलेंगी। तो बस करते हैं इस वीडियो का यहीं पर अंत। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ सुभाष, बाय बाय।